इलेक्शन कमीशन में वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमीशनर का आइंदा समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। तहरीके इंसाफ की इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। नईमुल हक कहते हैं इंसाफ न मिले तो नफरतें जन्म लेती हैं। दानियाल अजीज ने कहा कि तहरीके इंसाफ वाले बहस के लिए तैयार ही न थे। तहरीक आजादी कश्मीर को दहशतगर्दी से मुंसलिक करना भारत की गलती है। दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों को हिमायत से नहीं रोक सकती। वजीर आजम नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के मजलिस से आलमा से खिताब। दहशतगर्दी के खात्मे में नाकामी की वजह आलमी बरादरी का दोहरा मयार है। तवील अरसे से जेरे इल्तवा तनाज़ात हल करने पर तवज्जो दी जाए। मलिहा लोधी की दहशतगर्दी के खिलाफ इजलास से खिताब। कोयटा के इलाके लहड़ी में एफसी और हसास इदारों की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक। असलहा बरामद। कराची में 8 मुहर्रम-उल-हराम के जुलूस के लिए सिक्योरिटी की तैयारियां मुकम्मल। एमएजना रोड और मुत्तसिल सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद। मुहर्रम के मरकजी रूट पर पुलिस का फ्लैग मार्च। कराची के इलाके सदर में एम्प्रेस मार्केट की सील की गई 20 दुकानों का डाकू सफाया कर गए। दुकानों को मुहर्रम की सिक्योरिटी के लिए सील किया गया था। मुल्तान में तारीख अहमियत का हामिल उस्ताद और शागिर्द का ताजिया। तजीन और आराइश के बाद जियारत के लिए पेश। ताजिये की जियारत के लिए अकीदतमंदों का तांता बन गया। कोयटा में यंग डॉक्टर्स ने एक हफ्ते बाद अस्पतालों में ओपीडीज की तालाबंदी खत्म कर दी। हड़ताल को मशरूत तौर पर मौखर करने का ऐलान कर दिया।